नवा अध्याय मोहिनी रूप से भगवान के द्वारा अमृत बांटा जाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, असुर आपस के सद्भाव और प्रेम को छोड़कर एक दूसरे के निंदा कर रहे थे और डाकू की तरह एक दूसरे के हाथ से अमृत का कलश छीन रहे थे। इसी बीच में उन्होंने देखा कि एक बड़ी सुंदर स्त्री उनकी ओर चली आ रही है। वे सोचने लगे, कैसा अनुपम सौंदर्य है, शरीर में से कितनी अद्भुत छटा छिटक रही है, तनिक इसकी नई उम्र को तो देखो। बस अब वे आपस की लाग डांट भूलकर उसके पास दौड़ गए। उन लोगों ने काम मोहित होकर उससे पूछा, कमल नैनी, तुम कौन हो, कहां से आई हो, क्या करना चाहती हो, सुंदरी तुम किसकी कन्या हो, तुम्हें देखकर हमारे मन में खलबली मच गई है। हम समझते हैं कि अब तक देवता, दैत्य, सिद्ध, गंधर्व, चारण और लोकपालों ने भी तुम्हें स्पर्श तक न किया होगा, फिर मनुष्य तो तुम्हें छू ही कैसे सकते हैं। सुंदरी, अवश्य ही विधाता ने दया करके शरीरधारियों की संपूर्ण इंद्रियों एवं मन को तृप्त करने के लिए तुम्हें यहां भेजा है। मानिनी, वैसे हम लोग एक ही जाति के हैं, फिर भी हम सब एक ही वस्तु चाहते हैं, इसलिए हम में डाह और वैर की गांठ पड़ गई है। सुंदरी, तुम हमारा झगड़ा मिटा दो, हम सभी कश्यप जी के पुत्र होने के नाते सगे भाई हैं। हम लोगों ने अमृत के लिए बड़ा पुरुषार्थ किया है, तुम न्याय के अनुसार निष्पक्ष भाव से इसे बांट दो, जिससे फिर हम लोगों में किसी प्रकार का झगड़ा ना हो। असुरों ने जब इस प्रकार प्रार्थना की, तब लीला से स्त्री वेश धारण करने वाले भगवान ने तनिक हंसकर और तिरछी चितवन से उनकी ओर देखते हुए कहा। श्री भगवान ने कहा, आप लोग महर्षि कश्यप के पुत्र हैं और मैं हूं कुलटा, आप लोग मुझ पर न्याय का भार क्यों डाल रहे हैं। विवेकी पुरुष स्वेच्छाचारिणी स्त्रियों का कभी विश्वास नहीं करते। दैत्यो, कुत्ते और व्यभिचारिणीय स्त्रियों की मित्रता अस्थायी नहीं होती, वे दोनों ही सदा नए नए शिकार ढूंढा करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मोहिनी की परिहास भरी वाणी से दैत्यों के मन में और भी विश्वास हो गया। उन लोगों ने रहस्यपूर्ण भाव से हंसकर अमृत का कलश मोहिनी के हाथ में दे दिया। भगवान ने अमृत का कलश अपने हाथ में लेकर तनिक मुस्कुराते हुए मीठी वाणी से कहा, मैं उचित या अनुचित जो कुछ भी करूं, वह सब यदि तुम लोगों को स्वीकार हो तो मैं यह अमृत बांट सकती हूं। बड़े बड़े दैत्यों ने मोहिनी की यह मीठी बात सुनकर उसकी बारी की नहीं समझी, इसलिए सबने एक स्वर में कह दिया, स्वीकार है। इसका कारण यह था कि उन्हें मोहिनी के वास्तविक रूप का पता नहीं था। इसके बाद एक दिन का उपवास करके सबने स्नान किया, हविष्य से अग्नि में हवन किया, गौ, ब्राह्मण और समस्त प्राणियों को घास, चारा, अन्न, धनादि का यथायोग्य दान किया तथा ब्राह्मणों से स्वसत्ययन कराया। अपनी अपनी रुचि के अनुसार सबने नए नए वस्त्र धारण किए और इसके बाद सुंदर सुंदर आभूषण धारण करके सबके सब उन कुशासनों पर बैठ गए जिसका अगला हिस्सा पूर्व की ओर था। जब देवता और दैत्य दोनों ही धूप से सुगंधित मालाओं और दीपकों से सजे सजाए भव्य भवन में पूर्व की ओर मुंह करके बैठ गए, तब हाथों में अमृत का कलश लेकर मोहिनी सभा मंडप में आई। वह एक बड़ी सुंदर साड़ी पहनी हुई थी, नितंबों के भार के कारण वह धीरे धीरे चल रही थी, आंखें मद से विह्वल हो रही थी, कलश के समान अस्तन और गज शावक की सूंड के समान जंघाएं थी। उसके स्वर्ण नुपुर अपनी झनकार से सभा भवन को मुखरित कर रहे थे। सुंदर कानों में सोने के कुंडल थे और उसकी नासिका, कपोल तथा मुख बड़े ही सुंदर थे। स्वयं परदेवता भगवान मोहिनी के रूप में ऐसे जान पड़ते थे मानो लक्ष्मी जी की कोई श्रेष्ठ सखी वहां आ गई हो। मोहिनी ने अपनी मुस्कान भरी चितवन से देवता और दैत्यों की ओर देखा तो वे सबके सब मोहित हो गए। उस समय उनके अस्तनों पर से अचल कुछ खिसक गया था। भगवान ने मोहिनी रूप में यह विचार किया कि असुर तो जन्म से ही क्रूर स्वभाव वाले हैं, इनको
अमृत पिलाना सर्पों को दूध पिलाने के समान बड़ा अन्याय होगा। इसलिए उन्होंने असुरों को अमृत में भाग नहीं दिया। भगवान ने देवता और असुरों की अलग अलग पंक्तियां बना दी और फिर दोनों को कतार बांधकर अपने अपने दल में बैठा दिया। इसके बाद अमृत का कलश हाथ में लेकर भगवान दैत्यों के पास चले गए। उन्हें हाव भाव और कटाक्ष से मोहित करके दूर बैठे हुए देवताओं के पास आ गए तथा उन्हें वह अमृत पिलाने लगे, जिसे पी लेने पर बुढ़ापे और मृत्यु का नाश हो जाता है। परीक्षित, असुर अपनी की हुई प्रतिज्ञा का पालन कर रहे थे, उनका स्नेह भी हो गया था और वे स्त्री से झगड़ने में अपनी निंदा भी समझते थे, इसलिए वे चुपचाप बैठे रहे। मोहिनी में उनका अत्यंत प्रेम हो गया था। वे डर रहे थे कि उससे हमारा प्रेम संबंध टूट न जाए। मोहिनी ने भी पहले उन लोगों का बड़ा सम्मान किया, इससे वे और भी बंध गए थे। यही कारण है कि उन्होंने मोहिनी को कोई अप्रिय बात नहीं कही। जिस समय भगवान देवताओं को अमृत पिला रहे थे, उसी समय राहु दैत्य देवताओं का वेश बनाकर उनके बीच में आ बैठा और देवताओं के साथ उसने भी अमृत पी लिया, परंतु तत्क्षण चंद्रमा और सूर्य ने उसकी पोल खोल दी। अमृत पिलाते पिलाते ही भगवान ने अपनी तीखी धार वाले चक्र से उसका सिर काट दिया। अमृत का संसर्ग न होने से उसका धड़ नीचे गिर गया, परंतु सिर अमर हो गया और ब्रह्मा जी ने उसे ग्रह बना दिया। वही राहु पर्व के दिन पूर्णिमा और अमावस्या को वैर भाव से बदला लेने के लिए चंद्रमा तथा सूर्य पर आक्रमण किया करता है। जब देवताओं ने अमृत पी लिया, तब समस्त लोगों को जीवन दान करने वाले भगवान ने बड़े बड़े दैत्यों के सामने ही मोहिनी रूप त्याग कर अपना वास्तविक रूप धारण किया। परीक्षित, देखो, देवता और दैत्य दोनों ने एक ही समय एक स्थान पर एक प्रयोजन तथा एक वस्तु के लिए एक विचार से एक ही कर्म किया था, परंतु फल में बड़ा भेद हो गया। उनमें से देवताओं ने बड़ी सुगमता से अपने परिश्रम का फल अमृत प्राप्त कर लिया, क्योंकि उन्होंने भगवान के चरण कमलों की रज का आश्रय लिया था। परंतु उससे विमुख होने के कारण परिश्रम करने पर भी असुरगण अमृत से वंचित ही रह गए। मनुष्य अपने प्राण, धन, कर्म, मन और वाणी आदि से शरीर एवं पुत्र आदि के लिए जो कुछ भी करता है वह व्यर्थ ही होता है, क्योंकि उसके मूल में भेद बुद्धि बनी रहती है। परंतु उन्हीं प्राण आदि वस्तुओं के द्वारा भगवान के लिए जो कुछ किया जाता है वह सब भेदभाव से रहित होने के कारण अपने शरीर, पुत्र और समस्त संसार के लिए सफल हो जाता है। जैसे वृक्ष की जड़ में पानी देने से उसका तना, टहनियां और पत्ते सब के सब सींच जाते हैं, वैसे ही भगवान के लिए कर्म करने से वे सबके लिए हो जाते हैं। 10वां अध्याय, देवासुर संग्राम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यद्यपि दानवों और दैत्यों ने बड़ी सावधानी से समुद्र मंथन की चेष्टा की थी, फिर भी भगवान से विमुख होने के कारण उन्हें अमृत की प्राप्ति नहीं हुई। राजन, भगवान ने समुद्र को मत कर अमृत निकाला और अपने निजजन देवताओं को पिला दिया। फिर सबके देखते देखते वे गरुड़ पर सवार हुए और वहां से चले गए। जब दैत्यों ने देखा कि हमारे शत्रुओं को तो बड़ी सफलता मिली, तब वे उनकी बढ़ती सह न सके। उन्होंने तुरंत अपने हथियार उठाए और देवताओं पर धावा बोल दिया। इधर देवताओं ने एक तो अमृत पीकर विशेष शक्ति प्राप्त कर ली थी और दूसरे उन्हें भगवान के चरण कमलों का आश्रय था। बस वे भी अपने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर दैत्यों से भिड़ गए। परीक्षित, क्षीर सागर के तट पर बड़ा ही रोमांचकारी और अत्यंत भयंकर संग्राम हुआ। देवता और दैत्यों की वह घमासान लड़ाई ही देवासुर संग्राम के नाम से कही जाती है। दोनों ही एक दूसरे के प्रबल शत्रु हो रहे थे। दोनों ही क्रोध से भरे हुए थे। एक दूसरे को आमने सामने पाकर तलवार, बाण और अन्य अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से परस्पर चोट पहुंचाने लगे। उस समय लड़ाई में शंख, तुरही, मृदंग, नगारे और डमरू बड़े जोर से बजने लगे। हाथियों की चिंघाड़, घोड़ों की हिनहिनाहट, रथों की घरघराहट और पैदल सेना की चिल्लाहट से
बड़ा कोलाहल मचा हुआ था। रणभूमि में रथियों के साथ रथी, पैदल के साथ पैदल, घुड़सवारों के साथ घुड़सवार एवं हाथी वालों के साथ हाथी वाले भिड़ गए। उनमें से कोई कोई वीर ऊंटों पर, हाथियों पर और गधों पर चढ़कर लड़ रहे थे, तो कोई कोई गौर मृग, भालू, बाघ और सिंहों पर। कोई कोई सैनिक गिद्ध, कंक, बगुले, बाज और भास पक्षियों पर चढ़े हुए थे, तो बहुत से तिमिंगल, मच्छ, शरभ, भैंसे, गैंडे, बैल, नीलगाय और जंगली सांढ़ों पर सवार थे। किसी किसी ने सियारे, चूहे, गिरगिट और खरों पर भी सवारी कर ली थी, तो बहुत से मनुष्य बकरे, कृष्णसार, मृग, हंस और सुअरों पर चढ़े थे। इस प्रकार जल, स्थल एवं आकाश में रहने वाले तथा देखने में भयंकर शरीर वाले बहुत से प्राणियों पर चढ़कर कई दैत्य दोनों सेनाओं में आगे आगे घुस गए। परीक्षित, उस समय रंग बिरंगे पताकाओं, स्फटिक मणि के समान श्वेत निर्मल छत्रों, रत्नों से जड़े हुए दंड वाले बहुमूल्य पंखों, मोर पंखों, चवरों और वायु से उड़ते हुए दुपट्टे, पगड़ी, कलंगी, कवच, आभूषण तथा सूर्य की किरणों से अत्यंत दमकते हुए उज्ज्वल शस्त्रों एवं वीरों की पंक्तियों के कारण देवता और असुरों की सेनाएं ऐसी शोभायमान हो रही थी मानो जल जंतुओं से भरे हुए दो महासागर लहरा रहे। परीक्षित, रणभूमि में दैत्यों के सेनापति विरोचन पुत्र बलि मैं दानव के बनाए हुए वैहायस नामक विमान पर सवार हुए। वह विमान चलाने वालों की जहां इच्छा होती थी वहीं चला जाता था। युद्ध की समस्त सामग्रियां उनमें सुसज्जित थी। परीक्षित, वह इतना आश्चर्यमय था कि कभी दिखलाई पड़ता तो कभी अदृश्य हो जाता। वह इस समय कहां है जब इस बात का अनुमान भी नहीं किया जा सकता था, तब बतलाया तो कैसे जा सकता था। उसी श्रेष्ठ विमान पर राजा बलि सवार थे। सभी बड़े बड़े सेनापति उनको चारों ओर से घेरे हुए थे। उन पर श्रेष्ठ चमर डुलाए जा रहे थे और छत्र तना हुआ था। उस समय बलि ऐसे जान पड़ते थे जैसे उदयाचल पर चंद्रमा उनके चारों ओर अपने अपने विमानों पर सेना की छोटी छोटी टुकड़ियों के स्वामी नमुची, शंबर, वाण, विप्रचित्ति, आयोमुख, दुमूर्धा, कालनाभ, प्रहेत, हेति, इलवल, शकुनी, भूत संताप, ब्रजनदंष्ट, विरोचन, हयग्रीव, शंखशिरा, कपिल, मेघदुदुम्भी, तारक, चक्राक्ष, शुंभ, निशुंभ, जंभ, उत्कल, अरिष्ट, अरिष्टनेमी, त्रिपुराधिपति, मैं, पैलोम, कालेय और निवात कवच आदि स्थित थे। ये सब के सब समुद्र मंथन में सम्मिलित थे, परंतु इन्हें अमृत का भाग नहीं मिला, केवल क्लेश ही हाथ लगा था। इन सब असुरों ने एक नहीं अनेक बार युद्ध में देवताओं को पराजित किया था, इसलिए वे बड़े उत्साह से सिंहनाद करते हुए अपने घोर स्वर वाले शंख बजाने लगे। इंद्र ने देखा कि हमारे शत्रुओं का मन बढ़ रहा है, ये मदोन्मत हो रहे हैं, तब उन्हें बड़ा क्रोध आया। वे अपने वाहन ऐरावत नामक दिग्गज पर सवार हुए, उसके कपोलों से मद बह रहा था, इसलिए इंद्र की ऐसी शोभा हुई मानो भगवान सूर्य उदयाचल पर आरुद्ध हो और उससे अनेकों झरने बह रहे हैं। इंद्र के चारों ओर अपने अपने वाहन, ध्वजा और आयुधों से युक्त देवगण एवं अपने अपने गणों के साथ वायु, अग्नि, वरुण आदि लोकपाल ही हो लिए थे। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गईं, दो दो की जोड़ियां बना बनाकर वे लोग लड़ने लगे। कोई आगे बढ़ रहा था तो कोई नाम ले लेकर ललकार रहा था, कोई कोई मर्मभेदी वचनों के द्वारा अपने प्रतिद्वंदी को धिक्कार रहा था। बलि इंद्र से, स्वामी कार्तिक तारकासुर से, वरुण हेति से और मित्र प्रहेति से भिड़ गए। यमराज कालनाभ से, विश्वकर्मा मैं से, शंबरासुर त्वष्टा से तथा सविता विरोचन से लड़ने लगे। नमुची अपराजित से, अश्विनी कुमार वृषपर्वा से तथा सूर्यदेव बलि के वाण आदि सौ पुत्रों से युद्ध करने लगे। राहु के साथ चंद्रमा और पुलोमा के साथ वायु का युद्ध हुआ। भद्रकाली देवी निशुंभ और शुंभ पर झपट पड़े। परीक्षित, जंभासुर से महोदव जी
महिषासुर से, अग्निदेव की और वातापी तथा इलवल से ब्रह्मा के पुत्र मरीच आदि की ठन गई। दुर्मर्श की कामदेव से, उत्कल की मातृगणों से, शुक्राचार्य की बृहस्पति से और नरकासुर की शनैश्चर से लड़ाई होने लगी। निवात कवचों के साथ मरुदगण, कालयों के साथ वसुगण, पैलोमों के साथ विश्वेदेवगण तथा क्रोधवशों के साथ रुद्रगण का संग्राम होने लगा। इस प्रकार असुर और देवता रणभूमि में द्वंद्व युद्ध और सामूहिक आक्रमण द्वारा एक दूसरे से भिड़कर परस्पर विजय की इच्छा से उत्साहपूर्वक तीखे तलवार और भालों से प्रहार करने लगे। वे तरह तरह से युद्ध कर रहे थे। भुशुंडी चक्र गदा, ऋषि पटिश शक्ति, उल्मुख प्रास, फरसा तलवार, भाले मुदगर परिध और भिंदीपाल से एक दूसरे का सिर काटने लगे। उस समय अपने सवारों के साथ हाथी घोड़े रथ आदि अनेकों प्रकार के वाहन और पैदल सेना छिन्न भिन्न होने लगे। किसी की भुजा, किसी की जंघा, किसी की गर्दन और किसी के पैर कट गए तो किसी किसी का ध्वजा, धनुष, कवच और आभूषण ही टुकड़े टुकड़े हो गए थे। उनके चरणों की धमक और रथ के पहियों की रगड़ से पृथ्वी खुद गई थी। उस समय रणभूमि से ऐसी प्रचंड धूल उठी कि उसने दिशा, आकाश और सूर्य को भी ढक दिया, परंतु थोड़ी ही देर में खून की धारा से भूमि आप प्लावित हो गई और कहीं धूल का नाम भी न रहा। तदनंतर लड़ाई का मैदान कटे हुए सिरों से भर गया। किसी के मुकुट और कुंडल गिर गए तो किसी की आंखों से क्रोध की मुद्रा प्रकट हो रही थी। किसी किसी ने अपने दांतों से होठ दबा रखा था। बहुतों की आभूषण और शस्त्रों से सुसज्जित लंबी लंबी भुजाएं कटकर गिरी हुई थी और बहुतों की मोटी मोटी जांघें कटी हुई थी। इस प्रकार वह रणभूमि बड़ी भीषण दिख रही थी। तब वहां बहुत से धड़ अपने कटकर गिरे हुए सिरों से, नेत्रों से देखकर हाथों में हथियार उठा वीरों की ओर दौड़ने और उछलने लगे। राजा बलि ने 10 वाण इंद्र पर, 3 उनके वाहन ऐरावत पर, 4 ऐरावत के 4 चरक्ष रक्षकों पर और 1 मुख्य महावत पर इस प्रकार कुल 18 वाण छोड़े। इंद्र ने देखा कि बलि के वाण तो हमें घायल करना ही चाहते हैं। तब उन्होंने बड़ी फुर्ती से उतने ही तीखे भल्ल नामक वाण से उनको वहां तक पहुंचने के पहले ही हंसते हंसते काट डाला। इंद्र की यह प्रशंसनीय फुर्ती देखकर राजा बलि और भी चिढ़ गए। उन्होंने एक बहुत बड़ी शक्ति जो बड़े भारी लू के समान जल रही थी उठाई, किंतु अभी वह उनके हाथ में ही थी, छूटने नहीं पाई थी कि इंद्र ने उसे भी काट डाला। इसके बाद बलि ने एक के पीछे एक क्रमशः शूल, ग्रास, तोमर और शक्ति उठाई, परंतु वे जो जो शस्त्र हाथ में उठाते इंद्र उन्हें टुकड़े टुकड़े कर डालते थे। इस हस्तला धव से इंद्र का ऐश्वर्य और भी चमक उठा। परीक्षित, अब इंद्र की फुर्ती से घबरा कर पहले तो बलि अंतर्ध्यान हो गए, फिर उन्होंने आसुरी माया की सृष्टि की। तुरंत ही देवताओं की सेना के ऊपर एक पर्वत प्रकट हुआ। उस पर्वत से दावाग्नि से जलते हुए वृक्ष और टांकी जैसे तीखी धार वाले शिखरों के साथ नुकीली शिलाएं गिरने लगी। इससे देवताओं की सेना चकनाचूर होने लगी। तत्पश्चात बड़े बड़े सांप, दंदशूक, बिच्छू और अन्य विषैले जीव उछल उछल कर काटने और डंक मारने लगे। सिंह, बाघ और सुअर देव सेना के बड़े बड़े हाथियों को फाड़ने लगे। परीक्षित, हाथों में शूल लिए मारो काटो इस प्रकार चिल्लाती हुई सैकड़ों नंग धड़ंग राक्षसियां और राक्षस भी वहां प्रकट हो गए। कुछ ही क्षण बाद आकाश में बादलों की घनघोर घटाएं मंडराने लगी। उनके आपस में टकराने से बड़ी गहरी और कठोर गर्जना होने लगी। बिजलियां चमकने लगी और आंधी के झकझोरने से बादल अंगारों की वर्षा करने लगे। दैत्यराज बलि ने प्रलय की अग्नि के समान बड़ी भयानक आग की सृष्टि की। वह बात ही बात में वायु की सहायता से देव सेना को जलाने लगी। थोड़ी ही देर में ऐसा जान पड़ा कि प्रबल आंधी के थपेड़ों से समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें और भयानक भंवर उठ रहे हैं, और वह अपनी मर्यादा छोड़कर चारों ओर से देव सेना को घेरता हुआ उमड़ा आ रहा है। इस प्रकार जब
उस भयानक असुरों ने बहुत बड़ी माया की सृष्टि की और स्वयं अपनी माया के प्रभाव से छिपे रहे। न दिखने के कारण उन पर प्रहार भी नहीं किया जा सकता था। तब देवताओं के सैनिक बहुत दुखी हो गए। परीक्षित, इंद्र आदि देवताओं ने उनकी माया का प्रतिकार करने के लिए बहुत कुछ सोचा विचारा, परंतु उन्हें कुछ न सूझा। तब उन्होंने विश्व के जीवनदाता भगवान का ध्यान किया और ध्यान करते ही वे वहीं प्रकट हो गए। बड़ी ही सुंदर झांकी थी। गरुड़ के कंधे पर उनके चरण कमल विराजमान थे। नवीन कमल के समान बड़े ही कोमल नेत्र थे। पीताम्बर धारण किए हुए थे। आठ भुजाओं में आठ आयुध, गले में कौस्तुभ मणि, मस्तक पर अमूल्य मुकुट एवं कानों में कुंडल झलमला रहे थे। देवताओं ने अपने नेत्रों से भगवान की इस छवि का दर्शन किया। परम पुरुष परमात्मा के प्रकट होते ही उनके प्रभाव से असुरों की वह कपट भरी माया विलीन हो गई। ठीक वैसे ही जैसे जग जाने पर स्वप्न की वस्तुओं का पता नहीं चलता, ठीक ही है भगवान की स्मृति समस्त विपत्तियों से मुक्त कर देती है। इसके बाद कालनेमी दैत्य ने देखा कि लड़ाई के मैदान में गरुड़ वाहन भगवान आ रहे हैं। तब उसने अपने सिंह पर बैठे ही बैठे बड़े वेग से उनके ऊपर एक त्रिशूल चलाया। वह गरुड़ के सिर पर लगने वाला ही था कि खेल खेल में भगवान ने उसे पकड़ लिया और उसे त्रिशूल को उसके चलाने वाले कालनेमी दैत्य तथा उसके वाहन को मार डाला। माली और सुमाली दो दैत्य बड़े बलवान थे। भगवान ने युद्ध में अपने चक्र से उनके सिर भी काट डाले और वे निर्जीव होकर गिर पड़े। तदनंतर माल्यवान ने अपनी प्रचंड गदा से गरुड़ पर बड़े वेग के साथ प्रहार किया, परंतु गर्जना करते हुए माल्यवान के प्रहार करते न करते ही भगवान ने चक्र से